पहले से माफी मांग लेता हूं अगर आपको दुख हो। पहली बात ये, मैं ये समझता हूं कि यहां अक्सरियत मुसलमानों की है, और जो मुसलमान अपने आप को कहता है वो अल्लाह के हर हुक्म को मानता है, मुसलमान का मतलब ये है। पूरा कुरान हम पे फर्ज है, सूरह कसस 85 देख लीजिएगा, इन लजी फरज अलैकल कुरान ला रद्दो कलामात, फरज अलैकल कुरान। उसी कुरान में जहां खुम्र और मैसर से मुमानियत है, तो खुम्र को तो हमने कह दिया कि शराब और मैसर का तर्जुमा किया, जुआ ये हराम है, इनसे बचने का हुक्म है कुरान में। मैसर जिस जमाने में ये कुरान उतरा, मुफ्त पैसा कमाने का तरीका सिर्फ जुआ होता था, इसलिए उसका तर्जुमा जुआ किया गया। मैसर का असल मानी मफहूम है इजी मनी, हर वो पैसा जो बिना मेहनत के मिले वो मैसर है, जिसमें जहेज आज के जमाने में सरे फहरिस्त है, लिहाजा हराम है। यहां अरबी के प्रोफेसर्स भी बैठे हैं, शायद इस्लामिक स्टडीज वाले भी हों, ना हो तो आप मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैसर का मफहूम क्या है। वो पैसा जो बिना मेहनत के हासिल हो, हर तरह का, उसमें जुआ भी है, सट्टा भी है, रेस भी है, उस तरह की स्टॉक मार्केट्स भी हैं जिनको सट्टा ही कहा जाता है, ये सब हराम है। हम अगर मुसलमान हैं, बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और मुफ्त का पैसा भी लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। इस जहन से आजाद होने की जरूरत है। दूसरी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी पाला है और बेटी भी पाली है, जहन समझता हूं औलादों के, और ये सब मेरी बच्चियां हैं, इनके इतने साथ रहता हूं जैसे आप बच्चों के साथ रहता हूं, कुछ आपके जहनों को समझता हूं और अरसे से समझता हूं, आज की बात नहीं है, 40 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे और बच्चों के साथ रहते हुए, उस तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूं कि बच्ची अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आप अपने घर में देख लीजिएगा अपनी बहनों को, अपनी माँ को देख लीजिएगा, मैं कैसे कितना बड़ा रिश्ता है उनका, आज भी नहीं भूली, कभी कभी इसमें झगड़ा भी हो जाता है। बच्ची माँ बाप से बहुत अटैच होती है, बच्ची कभी इस बात को नहीं भूलती कि इस रिश्ते के लिए मेरे माँ बाप ने कितनी तकलीफ उठाई है अपने संध्याने की डिमांड्स पूरी करने के लिए। जो बच्ची इस दुख के साथ आपके घर में आ रही है, वो आपसे और आपके घर वालों से कभी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती, लिख लीजिए सर। आप बहुत बुरा सौदा कर रहे हैं, रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और अकीदत पे होती है, उनसियत पे होती है। सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक जज्बा होता है, यह है मोहब्बत। आप उस सब के बदले में चंद टके ले लेते हैं, शायद गाड़ी, कुछ इस्तेमाल का फर्नीचर, क्योंकि शायद आप ये समझते नहीं, या ये समझते हैं कि आप इसे नहीं कमा सकते। आपको ना अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा है, ना उसके राजी होने पे भरोसा है, आपको ससुराल पे भरोसा है। सोचिए जरा, इससे बड़ी नामर्दी की कोई मिसाल नहीं है। और हम क्लेम करते हैं कि हम मर्द हैं, मर्दगानगी पे लड़ते फिरते हैं। ये कैसी मर्दानगी है कि औरत के घर के पैसे पे आप खाना खाते हैं, उसका सामान लेते हैं। मुझे खुशी है कि इतने वेहमेंटली आपने इस कंसेप्ट को रेस्पॉन्ड किया है, और मुझे यकीन है कि यहां के 90% बच्चे यकीनन इस पे अमल करेंगे, क्योंकि जो जोश और जज्बा आप दिखा रहे हैं। तो आज की इस यौम आजादी की सुबह पे ये तय रहा, ये प्लेज ली हमने कि हम इस जहन से आजाद होंगे, हम अपनी मेहनत का खाएंगे, अपनी मेहनत से पैसा लेंगे, मैसर नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।